ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये सन्नाटा जो देख रहे हैं ये भारत में नहीं चीन में छा चुका है। चीन के नॉर्थ ईस्ट चाइना क्षेत्र में पूरी तरीके से ब्लैक आउट है, लाइट गोल है। जिनपिंग ने बत्ती गोल करके रखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन भिड़ चुका है अपनी लाइफ टाइम सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से। वहां बिजली का उत्पादन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए बत्ती काट दी गई है। ये अंधियारी गलियां जो आप देख रहे हैं ये चीन की है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि यही हाल भारत का भी होने वाला है अगर जल्द कोयला संकट से हमने पीछा नहीं छुड़ाया। कोयला अगर नहीं मुहैया कराया गया भारतीय पावर स्टेशंस को, पावर प्लांट्स को, तो मान के चलिए कि आपके राज्य, आपके शहर, आपके जिले, आपके गांव में भी बत्ती गुल हो सकती है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत जो है वहां पर बिजली का उत्पादन सरप्लस होता है? नहीं नहीं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य बात है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत 315 गीगावाट का उत्पादन करता है, जबकि भारत की टोटल बिजली की रिक्वायरमेंट है 159 गीगावाट। तो फिर बिजली जाती कहां है? जब इतनी बिजली पैदा होती है तो बाकी बिजली चली कहां जाती है? नेता खा जाते हैं, मंत्री खा जाते हैं, कि हमारे आईएएस आईपीएस खा जाते हैं? कौन खाता है? घूसखोर खा जाते हैं, व्यापारी खा जाते हैं? जी नहीं, आपको बता दें ये लापरवाही खा जाती है। और यहां पर भी करप्शन तो होता है। क्या आप जानते हैं कि जो बिजली पैदा होती है हमारे पावर प्लांट्स में उसकी 23% बिजली, और कई राज्यों में तो 30% बिजली जो लाखों करोड़ों की होती है, 1,00,000 से 4,00,000 करोड़ रुपए की होती है, वो सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में वेस्ट हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन और ध्यान से सुनिए। जो बिजली पावर प्लांट्स में बनती है उसका 30% ऐसे ही तारों में आपके घरों तक पहुंचने से पहले वेस्ट हो जाता है। वजह, कारण, कारण यह है कि जितनी भी तारें इस्तेमाल की जाती हैं वो खराब क्वालिटी की होती है। जितने ट्रांसफार्मर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पावर प्लांट से आपके घर के इक्विपमेंट्स तक पहुंचाने के लिए, उनमें खराब क्वालिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स घूसखोरी करते हुए, जो भी है, पैसा खाते हुए खराब इक्विपमेंट लगाते हैं, और उससे तेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। आज इस पूरी स्टोरी के तह तक जाएंगे और आपको पूरी बातें बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, और आप जान जाएंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। क्या आप जानते हैं विकसित कंट्रीज और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो होता है वो महज 10% तक सीमित रखा जाता है, लेकिन हमारे भारत में ये 30% तक लॉस होता है। सोचिए कितना ज्यादा हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके डैम्स बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, कोयला खोदते हैं, खनन करते वक्त काफी पोल्यूशन होता है, कोयला जलाते वक्त भी काफी पोल्यूशन पैदा होता है, उसके बाद कोल से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, बिजली बनाते हैं, और ये सारी बिजली, इसमें से 30% अगर आप लॉस कर दें तो सोचिए नुकसान भी झेला आपकी प्रकृति ने और आप तक उसकी सुविधा भी नहीं पहुंच पाई। भारत में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां 24 घंटे बिजली तो छोड़ दीजिए, 6 घंटे 8 घंटे लगातार बिजली भी नहीं मिलती। भारत में ऐसे कई गांव हैं, यूपी का एक क्षेत्र देख लीजिए, भारत के और दूसरे राज्यों को देख लीजिए, पहाड़ी इलाकों को देख लीजिए, वहां पर बिजली नहीं मिलती। बिहार में तो और हालत खराब है। ऐसे बहुत सारे जिले हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं हमारे देश में जहां 24 घंटे छोड़ दीजिए 8 घंटे लगातार बिजली नहीं मिलती है। तो बिजली जाती कहां है? बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो भारत के पावर ग्रिड से ही लॉस हो जाता है, ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं होने की वजह से, सही केबल, सही कंडक्टर्स का नहीं इस्तेमाल करने की वजह से। जो ट्रेन ऑफिशियल्स का इस्तेमाल करना होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उनके सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं लेने की वजह से, उन्हें ट्रेन नहीं कर देने की वजह से, उन्हें सैलरी सही से नहीं देने की वजह से, इस वजह से काफी ज्यादा लॉस होता है। आपने हाई टेंशन पावर लाइन देखी जो ग्रिड्स में लगी होती है? अगर आपने देखी होगी तो आपको एक बात और पता होगी कि इन हाई टेंशन वायर से आवाज आती है, हिसिंग साउंड आती है, इसे कोरोना इफेक्ट कहा जाता है। कोरोना इफेक्ट होता क्यों है दोस्तों, ये आवाज क्यों आती है? असल में जब 132 किलो वोल्ट का करंट बहता है, बिजली बहती है, या उससे नीचे की बिजली बहती है ऐसी ट्रांसमिशन लाइन्स में, तो होता क्या है कि उस कंडक्टर के आसपास के उसके सरकमफेरेंस में जो हवा होती है वो आयनाइज हो जाती है, तार गर्म हो जाता है। एक तो थर्मल वे में इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, दूसरा आयनाइज होने की वजह से, आसपास की हवा के होने की वजह से वो हिसिंग साउंड आती है, और ये साइन है कि आपकी बिजली लॉस हो रही है। इसे रोका जा सकता है,
रोका जाने का तरीका क्या है? आप कोएक्सियल वायर्स का इस्तेमाल करें, ऐसे वायर्स का इस्तेमाल करें जिसमें बाहर से रबर या ऐसा कोई और मटेरियल इंसुलेशन लगा हो जो इस प्रकार के बिजली के लॉस को रोक सकता है। लेकिन नहीं, महंगे होते हैं ऐसे तार, महंगे होते तो यूज नहीं होते क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहता कि उसका पैसा ज्यादा लगे। प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं इसमें और प्राइवेट प्लेयर्स नहीं चाहते कि उसमें ज्यादा पैसा लगे। अफसर शाह इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहते हैं कि कम कीमत पे माल खरीदें, उन्हें लगा के अपना काम कंप्लीट कर लें। बिजली तो पहुंच जाएगी लेकिन बिजली लॉस बहुत होगी। नुकसान किसका है? आपका और हमारा। हमें झेलना पड़ता है लोड शेडिंग। फर्ज कीजिए बिजली कंपनी ने 100 वोल्ट बनाया पर आप तक पहुंच नहीं पाए, आप तक 70 वोल्ट पहुंचे, तो उसने तो 100 वोल्ट बनाने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया पर आप तक मिला 70 वोल्ट, तो आप तो 70 वोल्ट का पे करोगे। ऐसे में वो 100 वोल्ट का जो उसने जो बनाने का चार्ज है वो बढ़ा देगा, आपके 70 वोल्ट महंगे हो जाएंगे। इसी वजह से बिजली की कीमतें बढ़ती। और जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं घूस खिला के और फिर अपने मनमर्जी जैसा भी चाहे बिना क्वालिटी चेक के माल इस्तेमाल करते हैं खराब ग्रेड का, जिससे ट्रांसमिशन लॉस होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये महंगे होते हैं कोएक्सियल वायर इसलिए नहीं इस्तेमाल होते। भाई ये क्या बात हुई? सबसे बड़ी बात, बिजली उसी तरीके की बेसिक नीड है जैसे पानी, जैसे भोजन। इसे एसेंशियल फैसिलिटीज में डालना चाहिए पर नहीं डाला गया इसे। आज की तारीख में अगर आप चाहें, मैं चाहूं, कोई भी चाहे, आम जनता, कोई भी आम जन रहे, क्या वो अपने घर के बाहर अपने मन मुताबिक रोड बनवा सकता है? बिल्कुल नहीं बनवा सकता, उसे परमिशन ही नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से काम होता है। लेकिन क्योंकि बिजली लाइन हो गई, इंटरनेट की लाइन हो गई, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कोई भी कहीं से भी तार खींच रहा है। आप देखिए तारों का जंजाल आपको भारत में हर जगह दिखाई देगा। समस्या क्या है? बिजली को अति इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली लिस्ट में रखा ही नहीं गया, अति इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज की लिस्ट में रखा ही नहीं गया। इसकी जो जड़ें हैं बहुत पुरानी है दोस्तों, वो भी सुनिए, गौर से सुनिए। सन 1900 में जब भारत में बिजली आई तो बिजली किसके पास थी जानते हैं आप? भारत के कुछ चुनिंदा एलीट वर्ग के लोगों के पास और अंग्रेजों के घरों में, जो यहाँ पे अफसर बन के आए थे, अफसरान बन के रहते थे। तो एक लग्जरी थी बिजली, वॉज लग्जरी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लग्जरी का वो थी कि भाई हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, लैंप जलाएंगे, बाकी लोग आप लोग दिए बत्ती में काम चलाओ। तो हुआ क्या, जो बिजली के ट्रांसमिशन के लिए जो चीज़ें बिछाई गई उसके लिए बड़े ग्रिड का स्थापना ही नहीं की गई, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था, कोई ये नहीं चाहता था कि आम जनता के लिए कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मुहैया हो। एक लग्जरी थी भारत के लोगों के लिए और वो लग्जरी रही, यानी कि हम शुरू से ही गुलामी के जो पूरे बंधन में बंधे हुए थे, हमारी मानसिकता भी उसी में बंधी हुई थी, हम पर वो इम्पोज भी की गई, डाल भी दिए गए हमारे ऊपर। तो आम जनता के लिए कभी भी बिजली सप्लाई होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा। तो उस समय जो ट्रांसमिशन लाइन बैठाई गई वो एक घर से दूसरे घर जहां जरूरी होती वहीं पहुंचा दी जाती, उसके लिए बड़े ग्रिड्स नहीं स्थापित की गए। ये बाद में काम हुआ, बहुत बाद में। और बाद में जब ये काम हुआ तो एक बात आपको और मालूम होगी, हमारे देश में जो शहर बसे, जो कस्बे बसे, जो गाँव बसे, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में बसे हुए हैं, प्लान्ड वे में नहीं बसे हुए हैं। कोई इधर, थोड़े उधर, अचानक से 10-20 घर एक साथ, फिर बहुत दूर दूर में कुछ घर, तो ऑर्गेनाइज वे में कुछ भी नहीं हुआ है। नतीजा क्या, वो जो खंबे हैं उनके लिए जगह नहीं बची, खंबे लगाए नहीं गए, खंबे काफ़ी दूर हो गए। अब बिजली तो पहुंचानी है, सब तक पहुंचानी है, ये हमारी पहली प्रायोरिटी हो गई। हर घर में पावर, पावर फॉर ऑल, अलग अलग किस्म की योजनाएं आ गई, तार खंबे से खींचे, इसके घर से उठाते हुए उसके घर, उसके घर से उठाते हुए उसके घर, इररेगुलर सप्लाई आप जो देखते हैं, तारों का जंजाल इसलिए बन गया हमारे देश में। और आप जानते हैं जितनी लंबी लाइन होगी, जब तक दो बड़े खंभों के बीच में कंडक्टर से, तारों से जब लाइन जाती है तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, लेकिन जब बड़े खंभे से वो पतली लाइन में आ जाती है तो पहले ज्यादा वोल्ट, फिर कम वोल्ट, और वहां से होते हुए थे बार बार अगर वो जाल बन जाता है तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे देश में हो क्या रहा है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इतना ज्यादा है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ रही है तब जाके हमारी जरूरतें पूरी हो पा रही है। इसी वजह से जितनी जरूरतें हो पा रही है पूरी, जितनी हमको जरूरत पड़ रही है, उस बिजली की कीमत भी बढ़ जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपी और बिहार में ताबड़तोड़ लोड शेडिंग होती है दोस्तों। अगर आप वहां रहने वाले होंगे या आपके रिश्तेदार वहां रहते होंगे तो आप पूछ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि वहां के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से नेपाल को बिजली बेची जाती है, जो हमने बताया आपको 315 गीगावाट का प्रोडक्शन है हमारे देश में और 159 का रिक्वायरमेंट है हमारे देश में, फिर भी इस देश के लोगों के पास बिजली नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन की फॉल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की फॉल्ट। पर ये जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी होते हैं चुनाव, हमारे लिए जरूरी होता है कुछ और, या पाकिस्तान जरूरी होता है हमारे लिए, चीन जरूरी होता है हमारे लिए। हम बेसिक नीड्स पे काम करना ही नहीं चाहते, ये हमारी समस्या है। बिजली को बेसिक नीड समझ के अगर आगे का प्लान करें तो हम अंडरग्राउंड वायर्स के बारे में सोचेंगे। अभी जो नई स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, अभी जो नए शहर बन रहे हैं, नई जगहें डेवलप हो रही हैं, अंडरग्राउंड तार को बिछाने के लिए, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स को बिछाने के लिए खुद कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, पर यह काम पहले नहीं किया गया, यह गलत हुआ, अब हो जाना चाहिए। अगर हो जाता
और आज की तारीख में जो कोयले का संकट मंडरा रहा है हमारे देश के ऊपर, ये बिजली अगर हमारे पास में होती दोस्तों तो सोचिए सस्ती भी होती और हमें एनर्जी क्राइसिस का मुंह भी नहीं देखना पड़ता। अब पता नहीं ये दिवाली कैसे बीतेगी, क्योंकि देश के पावर प्लांट्स के पास में कोल तो बहुत खत्म ही हो चुका है, समझ के चलिए आप। कई सारे पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में कुछ राज्यों के कुछ जगहों की बिजली भी गुल हो जाए, लोड शेडिंग लगातार बढ़ जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कितना विकराल होने वाला है एनर्जी क्राइसिस भारत के ऊपर में। लेकिन चीन का हमने जो आपको क्लिप दिखाया था, याद रख लीजिए, चीन ने ले लिया है वो डिसीजन। चीन ने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए, उसने ज्यादा कड़े मानक पावर प्लांट्स के ऊपर में लगा दिए। वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, भारत में भी हो रहा है लेकिन वहां बड़े पैमाने पर होता है चीन। तो शी जिनपिंग ने क्या किया है, वहां पर कार्बन एमिशन कम करो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं ऐसी फैक्ट्रीज पर, ऐसे पावर प्लांट्स पर जो बिजली बनाते हैं, जिसके चलते काफी सारे पावर प्लांट्स को अपना ऑपरेशन रोक करके अपना कार्बन एमिशन को कम करने वाला जो प्रोसेस उसको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बिजली कम उत्पादन हो पा रहा है और वहां पर एनर्जी क्राइसिस आ गया है। कोल कम हो गया है वहां पर भी, वहां भी कोयला कम हो गया, जिसकी वजह से चीन जो दुनिया का नंबर वन कोल निर्यातक था, एक्सपोर्टर था, अब उसने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है और अपने इलाकों में कोल सप्लाई कर रहा है और वहां भी फिर भी लोड शेडिंग हो चुकी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आने वाले टाइम में भारत में क्राइसिस विकराल होने वाला है दोस्तों। ये हमारे हाथ में कि अब गीजर ऑन करने के बाद जब हम नहा के निकले तो गीजर ऑफ करके निकले, अगर दिन में हो सके तो ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स ना जलाएं, सर्दियों में एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, रोशनी प्राकृतिक इस्तेमाल कीजिए, घरों के लाइट्स बल्ब को जलाना छोड़ दीजिए। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान में आप नौकरी करने के लिए जाते हो, कृपया ध्यान रखिए अपनी जिम्मेदारी को फॉलो करें। नहीं तो चीन में जैसा हो रहा है आजकल, वहां के सिविलियंस को भी अब रिस्ट्रिक्टेड मोड में बिजली इस्तेमाल करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। ऐसा अगर हमारे भारत में हो गया तो सोचिए कैसे मनेंगे तीज त्यौहार। जरा सोच के देखिए, दिवाली आ रही है, क्या दिवाली अंधकार में हो जाएगी? सोचिए सर, कैसे में राम राज आ पाएगा, सोच के देखिए जरा। तो अगली बार ये ध्यान रखिए, वोट तो दीजिए, बिल्कुल दीजिए, पर वोट देने के बाद सवाल पूछना बंद ना कर दीजिए, समझ रहे ना आप? अगर समझ गए हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ, कल मिलते हैं।